नाजरीन, पिछले दिनों शेनबेथ जो कि इजरायली खुफिया एजेंसी है, इसके हेड का एक बयान बड़ा वायरल हुआ, बड़ा मशहूर हुआ, सारी दुनिया की मीडिया ने इसको छापा, जिसमें वो ये कह रहा है कि ऑर्डर्स मिल गए और दुनिया भर में जहां कहीं भी हमास की लीडरशिप है, सारी दुनिया में, वहां जाएंगे और उनको वहीं पे टपका के आएंगे। अब ये काम वो पहले भी करते चले आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, वो डेकेड से लेके करते चले आ रहे हैं। कई मरतबा उन्होंने टॉप लीडरशिप जो हमास की है उनको निशाना बनाया हुआ है। लेकिन इस पे देखें, जो हेडक्वार्टर्स हैं एक तरह से जहां पर सबसे ज़्यादा हमास की लीडरशिप रहती है, वो कतर और तुर्की है। ये दो वो मुल्क हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हमास के लीडर्स मौजूद हैं, और ये दोनों मुल्क उनको गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझते, ये समझते हैं कि ये लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल है। अब दोनों ने कंसर्न्स का इजहार तो पहले से ही किया हुआ था, लेकिन तुर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने कैटेगोरिकली एक शटअप कॉल शेनबेथ को भी दी है और इजराइल की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से खुफिया इदारे हैं उनको भी दी हुई है कि अगर आपने ये हरकत की ना, तो फिर हम आपके साथ जो करेंगे उसका फिर आपको आइडिया नहीं है। हमारी तरफ से जो काउंटर रेस्पॉन्स आएगा तो वो बहुत ही शदीद किस्म का होगा, इसलिए ये ध्यान में रहे। आपने अगर इस तरह करने की कोशिश की हमारे सॉइल पे, तो आपकी सॉइल पर भी हम ये सारी चीजें करेंगे, जवाब देंगे आपको। नाउ इस धमकी के बाद, इस वार्निंग के बाद, सुनने में ये आ रहा है कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने ये क्लेम किया हुआ है कि सॉरी करके वो रिकंसीडर कर रहे हैं कि हम ज़रा इसको अभी देखते हैं, क्योंकि कितने लोगों को हम अपना दुश्मन बनाएंगे एक वक्त के अंदर। देखें ना, आलमी हालात जो हैं वो इस वक्त वैसे ही इजराइल के लिए साजगार नहीं है, इजरायली सिटीजन्स के लिए भी साजगार नहीं है। उन्होंने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है अपने शहरियों के लिए। ये ज़रा आप पिक्चर देखिए, ये दुनिया का मैप है। ये इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है, उस हिसाब से ये जो आपको येलो कलर के मुल्क नज़र आते हैं ना, और रेड कलर के, ये वो मुल्क हैं जहां पर इजरायली शहरियों को जाने से पहले, मतलब वो कह रहे हैं कि सोचें, कंसीडर करें, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो बेहतर है, ना जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो येलो और रेड कलर के मुल्क हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा है अपने शहरियों को कि आप मत जाएं, और इज्तनाब करें तो आप देखें कि सारी की सारी दुनिया तो इसके अंदर आ जाती है तकरीबन, सवाए चंद मुल्कों के जो कि ग्रीन कलर के हैं, बाकी तो सारी की सारी दुनिया उनके लिए नो गो एरिया बन चुकी है ऑलरेडी। ये खुद कह रहे हैं ना, ये कोई किसी तीसरे मुल्क ने तो नहीं लगाया इस तरह का मैप, उन्होंने खुद ही अपने शहरियों के लिए ये मैप इशू किया हुआ है। तो सारी दुनिया नेतन्याहू की पॉलिसीज ने असल में इजरायलियों के लिए नो गो एरिया बना दी हुई एक तरह से, और ऊपर से अगर फिर वो इस तरह की कार्रवाइयां भी करना शुरू कर दें कि दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर और तखरीबकारी करें, तो फिर तो आप मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं सिचुएशन का, कितना ज़्यादा ख़राब होगा उसके बाद। तो लिहाजा एक शटअप कॉल गई हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया हुआ है कि टर्की वार्न्स ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इफ इजराइल टारगेट्स हमास मेंबर्स ऑन इट्स सॉइल। रिपोर्ट से अनकरा हैज कॉशनड यरूशलम अगेंस्ट एनी इल्लीगल एक्टिविटीज अ डे आफ्टर रिकॉर्डिंग इमर्ज्ड ऑफ शेनबेथ चीफ वोइंग टू किल हमास चीफ्स इन लेबनान, टर्की, कतर। और वो आगे कहते हैं कि ऑन मंडे द राइटर्स न्यूज एजेंसी कोटेड द अननेम्ड टर्किश इंटेलिजेंस ऑफिशियल एज सेइंग नेसेसरी वार्निंग्स वर मेड टू द इंटरलोक्यूटर्स बेस्ड ऑन द न्यूज ऑफ इजरायली ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड इट वाज एक्सप्रेस्ड टू इजराइल दैट सच एन एक्ट वुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये प्लान थोड़ा सा धपड़दूस होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके बावजूद भी इजराइल की जानिब से कोई हरकत की जाती है, तो फिर वहाँ से उनको रेस्पॉन्ड करने के हवाले से क्लियरली एक वार्निंग जा चुकी है। अच्छा, दूसरा नेतन्याहू की मैंने बात की कि उसकी गलत पॉलिसीज़ ने दुनिया भर में इजराइलियों को एक तरह से अनसेफ बना दिया है। उन्होंने खुद वार्निंग्स इशू की है ना, ये जो मैप मैंने आपको दिखाया, तो इसके चलते हो यह रहा है कि उसकी अपनी पार्टी के अंदर बगावत स्टार्ट हो गई है, बगावत प्रॉपर, और उसके खिलाफ उसी की पार्टी में माहौल बन रहा है, और एक पूरा बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो रेडी है इसको धपड़दूस करने के लिए, इसको साइडलाइन करके किसी और को पार्टी चीफ बनाने के लिए एक पूरा ग्रुप तैयार हो चुका है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब इसको धपड़दूस करके खुद
ओवरटेक कर लें पार्टी को। ये अब होने जा रहा है, कुछ ही महीने लगे, हफ्ते दिन लगे, लेकिन ये होने जा रहा है, ये तय हो चुका है। वो एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो गया है, आगे उसका पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म हो गया, और इसका जो मुस्तकबिल है ना वो जेल की कोठरी ही मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ये सारे मुकदमात तो बहुत सारे मुल्कों ने ऐलान कर रखा है कि हम जाएंगे वहां पर, इसने जो गजा के अंदर किया है इस पर हम इसको घसीटेंगे, और अमेरिका भी मेरे ख्याल से इसराइल को बचा के सारा मलबा इसके ऊपर लगा सकता है, ये जो वॉर क्राइम्स कमिट किए गए। लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों से मतलब किसी तरह से बच भी जाए, तो अपने मुल्क के अंदर इसके खिलाफ जो केस बने हुए जुडिशल ओवरहॉल और फिर करप्शन के केसेस, वहाँ से बचना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी जो जुडिशरी है वो बहुत ही ख़तरनाक मूड में अगेंस्ट नेतन्याहू, वो मतलब इसको शायद क्लीन चिट ना दें, तो इसका डार्क मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। पॉलिटिक्स तो उसकी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये जो पार्टी उससे छीनी जा रही है ना, उस पर आप ज़रा देखिए इजरायली मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया हुआ। देखिए, इनका मीडिया कोट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ज़्यादा आपको क्रेडिबिलिटी देता है न्यूज़ के हवाले से। अगर मैं ईरान का मीडिया कोट करूँ तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई ईरान तो वैसे इनका एंटी है, लेकिन ये उनका अपना मीडिया कह रहा है कि इकोनॉमी मिनिस्टर बराकत प्लान्स टू चैलेंज नेतन्याहू फॉर लिक्विड लीडरशिप। बराकत सेड टू टेल लिक्विड सपोर्टर्स दैट पार्टी नीड्स न्यू लीडरशिप टू रीगेन पब्लिक ट्रस्ट इन वेक ऑफ अक्टूबर 7 फेल्यूअर्स। ये उनका इकोनॉमी मिनिस्टर है, ये नेतन्याहू को रिप्लेस करने वाला है वहाँ पर लिक्विड पार्टी के अंदर। और जो इनके इत्तेहादी हैं और इनके जो अपोनेंट्स हैं, इवन बेनी गांट्स को मैं उस दिन सुन रहा था, उसने भी कहा कि हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं कि पार्टी जो लिक्विड पार्टी है उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन नेतन्याहू को जाना चाहिए घर। तो बराकत की तरह आप अल्फाज सुनिए, उसने क्लियरली कहा है मीडिया के अंदर आकर कि मैं ओवरटेक करूंगा। वो कहते हैं टाइम्स ऑफ इजराइल वाले कि आई वॉन्ट सपोर्ट नेतन्याहू अगेन, कभी जिंदगी में इस शख्स को सपोर्ट नहीं करूंगा। आफ्टर द वॉर वी मस्ट टर्न टू द पीपल एंड गेट देयर ट्रस्ट अन्यू, लिक्विड नीड्स चेंज। और आगे वो कहता है, आई एम एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ एन एजेंडा एंड इट इज़ नियरिंग कम्प्लीशन। मेरा काम होने वाला है भाई, मेरा काम तकरीबन फाइनलाइज होने वाला है। ही हैज़ टू गो, वो जाएगा यहाँ से, नहीं लिक्विड में कोई जगह नहीं है उसकी, आइंदा इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, अपनी पार्टी के मेंबर नहीं करेंगे उसको सपोर्ट। तो गजा की जंग नेतन्याहू की पॉलिटिक्स को खा चुकी है असल में। नेतन्याहू को एक तो ये तो कम प्राइज है मेरे ख्याल से जो वो पे करेगा सियासत उसकी ख़त्म होना। एक तो ऊपर वाले का भी हिसाब किताब अभी रहता है ना, 15-16 हज़ार बेगुनाह इंसानों को अगर इस तरह से कत्ल किया जाए तो इसके देखें नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। कोई भी जो बेगुनाह इंसान होता है ना, उसकी FIR एक ऊपर भी कटी हुई होती है। तो अभी से उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया है, उसकी पार्टी वो गई, पॉलिटिक्स उसकी गई, पार्टी उसकी गई। अब आगे जो केसेस होंगे उसमें कहीं ना कहीं पे तो ये कितने भी बेहतरीन लॉयर कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो उसका अटकना तय है तकरीबन।